पनीर मालपुआ बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से और इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब है। पनीर मालपुआ बनाने के लिए 500 ग्राम दूध, 150 ग्राम मैदा, 200 ग्राम चीनी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू बादाम और किशमिश लिए हैं, 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम। सबसे पहले हम पनीर को छोटे टुकड़े में काट लेंगे या इसे हाथ से तोड़ लेंगे। उसके बाद इसे मिक्सिंग जार में निकाल कर इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल कर इसमें मैदा डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लंग्स ना रहे। मिठास के लिए 2 चम्मच चीनी और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। आप बिना चीनी डाले भी बना सकते हैं क्योंकि मालपुआ बनाकर चाशनी में डालना है। इसी में बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए पैन में चीनी डाल लेंगे। इसी बाउल से 1 बाउल पानी डालकर 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट पका लेंगे। थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे। फूड कलर के जगह आप केसर भी डाल सकते हैं। इसे केवल चिपचिपा होने तक ही पकाएंगे। चाशनी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम मालपुआ बना लेंगे। मालपुआ बनाने के लिए पैन में तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, इसमें छोटे करछी से घोल को डाल लेंगे। आप एक साथ 3 से 4 मालपुआ बना सकते हैं। पैन ज़्यादा बड़ा हो तो आप एक साथ ज़्यादा मालपुआ भी बना सकते हैं। इसे पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। देख सकते हैं कि मालपुआ अच्छे से पक गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के सारे मालपुआ को इसी तरह से बना लेंगे। आपको मालपुआ क्रिस्पी बनाना हो तो घोल को थोड़ा पतला रखें और सॉफ्ट बनाना हो तो घोल को गाढ़ा रखें। मालपुआ निकालने के बाद इसे चाशनी में डालकर 2 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ दें। उसके बाद इसे निकाल कर खाएं। मालपुआ को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लिए हैं। देख सकते हैं कि बहुत ही रसीली और टेस्टी बना हुआ है। आपने बहुत सारे मालपुआ बनाए होंगे। एक बार आप पनीर मालपुआ बना कर खाइए, उसके बाद आप हमेशा यही मालपुआ बनाएंगे क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे होली में या कोई भी फेस्टिवल में बना कर खा सकते हैं। आप ही बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।